जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज व्हाट्सएप का आखिरी दिन पाकिस्तान में था और इस पाकिस्तान के आखिरी दिन की आखिरी रात में मेरे वो दोस्त जिनके साथ मेरा लास्ट टाइम का गुजरे हुए कुछ लम्हात हैं, लेकिन वो कुछ लम्हात पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे लिए। बहुत अच्छी यादें हैं उनके साथ। मैं आपका तारुफ करवा दूँ, ये हैं मोहम्मद रिजवान भाई, इनका सैलून है गिलेवाल में, तो इनके साथ भी बहुत अच्छा टाइम मेरा गुजरा और बहुत अच्छे ही इंसान हैं। ठीक है, ये भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, पीछे हैं जी ये मलिक साहब। मलिक साहब के साथ सिर्फ चंद दिन की सलाम दुआ है और चंद दिन की सलाम दुआ में ये मोहब्बत देखें कि अल्लाह ताला की दिलों में मोहब्बत डाली और भाई आज आए हों। मैंने दावत पर बुलाया था तो भाइयों की मोहब्बत से ज़ाहिर होता है कि भाइयों के दिल में मोहब्बत थी और उसी अकीदे से पहुँचे हैं। और इसके बाद जो हस्ती आने वाली है उसके लिए कैमरामैन को भी ज़रा सोचना पड़ेगा और जो टाइल डिलीवरी दे रहा है उससे भी मुताद रहना पड़ेगा। ये हैं जी शंग्रीला बेकरी के ओनर, ये हमारे भाई हैं बशीर भाई। इनका तारुफ करवाना तो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इतनी तारीफ की है। ये बहुत ही शरीफ आदमी है, अगर ज़िंदगी में कभी आप गेलेवाल का चक्कर लगाएं तो शंग्रीला पर ज़रूर जाइए। इस तरह के मौलवी आपको अक्सर बहुत कम मिलेंगे दुनिया में। ये देखें जी, जैसे ये हाथ बांधते हैं ऐसे सामने वाले से हाथ बंधवाते भी हैं। आज ये भी पहुंचे हुए हैं जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, इसे देखकर बहुत खुशी हुई, इसे बहुत उम्मीद थी और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक हो तो बेस है। ठीक है व्यूअर, सब तो पहले मैंने सलाम भी की थे लेकिन बस सलाम थे गया ते व्यूअर जिमें कि मैं तो दसाया बिना सा जिन्ना एक दोस्त है सारा भाई है और दुबई बिना पे आज जैसा को मिलने वास्ते बिंदे पे ओ सारे ये दोस्त हैं ते सारे नेक तमन्नावा नेक ख्वाहिशात दिल चो निकल दे अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे। ते असा स्पेशल है लेकिन गेलेवाल चो ई आमिर भाई को मिलने वास्ते हैं और बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक तुसा भी व्यूअर इन स्पोर्ट्स सारे चैनल को तुसा करंदे पे जो के तो को पता है मेरे चैनल दा रिजवान GW एक तो अपना चैनल है, मेरा चैनल नहीं तो अपना चैनल क्योंकि तुसा सारे नाल दे वाली असा है तुम्हारे नाल ते तुसा भी हिना भाई और वास्ते स्पेशली दुआ करे सो कि अल्लाह पाक इनो कामयाब करे इंशाल्लाह आमीन। ते बाकी व्यूअर ए जी हुन चिल माहौल बेंदे पे आपरे कैसरे ने इना को मेलसी दे विच असा आवे ते मेलसी दे विच उत्थे कि इन्होंने सारी अच्छी खातर तवाजो की थी लेकिन जो कि सवेरे इन्हें 3 बजे निकलना भी है एयरपोर्ट वास्ते ते असा के क्यों ना एक व्लॉग थी वने ताकि जिंदगी का जड़ा ये पल है ना याद रह वने ते हुन जी सबको खिदी वेन देखो जी इन्हां दी मर्जी की देखदे मुंडे सीधा वने नहीं सीधा चले हां। अच्छा सीधा नादरीन इस पर बताता चलूं कि जैसे ही इनका सीन बना है वो कुछ शाम की पार्टी का अरेंज था मगरिब के बाद तो भाई जरा लेट पहुंचे हैं, 10 बजे इधर पहुंचे हैं मेलसी में। आपको पता है कि तहसील लेवल सिटी एरिया के छोटा सा ही शहर है जिसके अंदर मैक्सिमम 8-9 बजे मार्केट क्लोज़ हो जाती हैं, तो इस वक्त हम जा रहे हैं शिपुरी फूड पॉइंट पर, सिर्फ वही ओपन होगा या इसके अलावा कोई टिक्के वाली शॉप भी ओपन हो सकती है, बाकी तो अदरवाइज सब चीज़ें क्लोज़ हो चुकी होंगी। लेकिन दिन में आते तो मेलसी का एक अलग ही रुझान इन्हें मिलता, इन्हें हेड सेफन पर लेके जाते, वहाँ पर एक व्यू है बहुत। हेड सुलेमान की इधर से कितना दूर है यहाँ? इसका मुझे इलम नहीं है। हेड सुलेमान की हेड सैफन का मुझे पता है कि वो 12-13 किलोमीटर की मुसाफत पे है यहाँ से। सही, वहाँ जाते या वरना दिन को तो बहुत सी जगह थी इनको घुमाने की लेकिन यार अब किस्मत में नहीं है। आज ना आमिर भाई, इंशाल्लाह फिर आमिर भाई आप बात ठीक है मेरी बात सुने, वो ऐसा हो कि हम ना ये पीछे बैठे एक पीछे जरा एक दिखावे ना यार ये हिंदी वजह को आज असल लेट थे। कोई बात हिंदी वजह को मजा इसी में बेहतरी होगी। सीधा बैठे सही जी जी बिल्कुल आप सही सीधा बैठे ऐसे मुंडे सीधा बैठे जी जी मुंडे राइट मोड़ू साकु तो पता भी क्या नहीं मेहरबानी करो सही बात है ये एक साकु सराय की गाल बोलो सारे ठीक है जी तमाम व्यूअर्स सराय की भी थोड़ी भाई को आंदी ये गाल कह नहीं लेकिन सराय की थोड़ा शुक्रिया अदा करें ना कि तमाम देखने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उन्हें सब कुछ दरखास्त दे कि थोड़े भाई से दुआ भी करो अल्लाह ताला उनके से अगली मंजिल आसान फरमाए क्योंकि उठा वन के परदेस होता है परदेस से कई चीज़ा होंगे उनको फेस करना पड़ता है इंसान रोजी की खातर निकलता है ते तुहाडे भाइयों की दुआवां भी होनी चाहिए बाकी अल्लाह की रजा बेहतर करे सी इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए मंजिल आसान ते पैंदी है ते इंशाल्लाह अगली वीडियोस वाल मिलसों तब तक लिए अल्लाह हाफिज। व्यूअर तो आपको दिखे शकुरी पॉइंट ना मेलसी दा शकुरी पॉइंट चलें अब फिर आगे आपको दिखाएंगे शकुरी पॉइंट जो शकुरी दही भल्लो वाले और स्वीट स्कीम की जो शॉप्स है उधर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।